इसमें जो ट्रीज हैं वो 1925 के लगे हुए हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हमें कैंडी में एंड अभी मैं होटल लेकवुड के रेजिडेंस के सामने खड़ा हूँ। थोड़े दिन में अंदर चेक इन करने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको घुमाने वाला हूँ कि कैंडी की सारी टूरिस्ट प्लेसेस को। सो गाइस, फाइनली हमने होटल कर लिया है कैंडी के अंदर। ये होटल हमें अराउंड पड़ा है, इंडियन रुपये में हम बात करें तो 3200 रुपीज़ का। थोड़ा महंगा है, बट स्टिल ये इनिशियली मुझे जो रेट बोल रहे थे booking.com पे जो दिखा रहा था, लेकवुड रेजिडेंसी नाम से, इसमें हमने लेक व्यू वाला रूम लिया है जिसकी इनिशियली अगर booking.com पे कॉस्ट देखी जाए तो 4500 रुपीज़ थी विद ब्रेकफास्ट फॉर टू पीपल। एंड मैंने डायरेक्टली यहाँ के बात की तो अराउंड इन्होंने जो मुझे डिस्काउंट दे दिया है वो थोड़ा ठीक डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे 3200 रुपीज़ का पड़ रहा था। और लोकेशन भी इसकी अच्छी है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ रूम का, किस तरह का व्यू है। ये वॉशरूम है ये वाला, हाँ ये डबल बेड है रूम का, एक अलमीरा दे रखा है इन्होंने, टीवी एक्सेट्रा। और गाइस सामने का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार व्यू लग रहा है। ये बालकनी से जो व्यू आता है लेक व्यू का, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि कैंडी के मेन सेंटर से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये बहुत ही फेमस प्लेस है इधर की, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा लोग इसे विजिट करने आते हैं इस गार्डन को। और इसमें वो 4000 से भी ज़्यादा तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे वैरायटी के फूल्स हैं, ऑर्किड्स हैं। सो अभी वो देखने जाएंगे। उसके बाद एक टेम्पल फेमस है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है इधर, बट अभी हम जा रहे हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन, तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ के व्यू कैसे हैं। सो गाइस हम आ गए हैं बोटानिकल गार्डन। तो गाइस अभी यहाँ पे बोटानिकल गार्डन की टिकट लगती है, तो वो टिकट लेने जा रहे हैं। मेरे पीछे टिकट काउंटर। गाइस ये टिकट मुझे पड़ी है 2000 श्रीलंकन रुपीज़ की, अगर इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट 850 रुपये की एक जने की टिकट है। एंड सो देखते हैं, टिकट थोड़ी महंगी लग रही है मुझे एज कम, बट फॉरनर्स के लिए यही रेट है यहाँ पे श्रीलंका में। तो अभी उसके साथ एक बुकलेट भी मिली है, गाइड मैप इस पूरे गार्डन की, इसमें क्या क्या है एक्सेट्रा। देखते हैं किस चीज़ के इन्होंने 850 रुपये लिए हैं इस गार्डन के, बहुत महंगा लगा लेकिन लेट्स सी पैसे वसूल होते हैं या नहीं होते। तो दोस्तों देखने में तो ये गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं एक तरह के फूल हैं इसमें, टेरिफोमा पैराडॉक्सम, आई डोंट नो सम मीन क्या है। तो अभी जिस जगह पे हमें उसे ऑर्किड हाउस कहा जाता है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्किड्स हैं। वाओ यार, वाओ दोस्तों ये कलर देखिए फ्लावर का, वाओ यार। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं किस तरह के फ्लावर्स हैं इधर।
सो गाइस अभी आपको मेरे सामने का व्यू दिखाता हूँ। अगर आपको गार्डन वार्डन में इंटरेस्ट है और प्लांटेशन ट्री सेक्टर में, तो उसके लिए तो ये जन्नत ही जगह है। गाइस अभी मैंने पूरा एक बोटैनिकल गार्डन घूम लिया है, बट यार वैसे अच्छा है देखने में। अब बहुत तरह के फ्लावर्स हैं, ऑर्किड्स हैं और ट्रीज हैं, सेक्टर सेक्टर बहुत सारी चीज़ें। तो आधी चीज़ें तो पता ही नहीं क्या कि कौन कौन से हैं। कुछ इसमें जो ट्रीज़ हैं वो 1925 के लगे हुए हैं एंड उससे भी पहले के भी हैं, सो मिक्स है। लेकिन हाँ, ये मुझे 2000 श्रीलंकन रुपीज़ की वर्थ का नहीं लगा। ठीक है, आप आ रहे हो, आप कैंडी आए हो, तो आ जाओ एक बार देखने के लिए। बट स्टिल अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं एंड, तो प्लीज़ ये पूरा गार्डन देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना। अगर आपको आना है तो आइए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको नेचर में इंटरेस्ट है, ट्रीज में इंटरेस्ट है कैटेगरी, और पता है आपको मेडिसिन एक्सेट्रा जो ट्री से बनती हैं, तो उसके लिए तो ये वर्थ विजिट जगह है। तो आप ज़रूर आइए अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं।
अदरवाइज आप मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको आना है या नहीं आना। तो गाइस अभी हम बोटैनिकल गार्डन से निकल चुके हैं और हमने टेंपल ऑफ द सैक्रेड टूर रैलिक जा रहे हैं देखने। ये जो टेंपल है ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है एंड इसे 1988 में ही वर्ल्ड हेरिटेज में डाल दिया गया था। हाँ दोस्तों, वो कैंडी को श्रीलंका की कल्चरल एंड रिलीजियस कैपिटल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।